कोरोना हुआ तो माँ को भर्ती कराकर भाग निकला बेटा। ये वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भागे हुए बेटे को दिखा दें कि उनकी माँ किस हाल में है और वो किस हाल में छोड़ के गया है अपनी माँ को। हसनगंज की 80 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिला बेटे और बेटी का नाम लेकर लगातार रो रही है। उसे सोमवार को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के MCH वार्ड में भर्ती किया गया। उसे ICU से रेफर किया गया है। उसके रोने से भर्ती दूसरे मरीजों को भी परेशानी हो रही है। महिला डायबिटीज से भी पीड़ित है। हालत खराब होने पर उसे अस्पताल के ICU में भर्ती किया गया था। कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव निकलने पर उसे MCH वार्ड में भेज दिया गया। महिला के भर्ती होने के बाद बेटा छोड़कर चला गया। महिला खुद से कोई काम भी नहीं कर पा रही थी। ऐसे बेटों के बारे में क्या कहेंगे आप, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। महिला के लगातार रोने से जब वार्ड में भर्ती दूसरे मरीजों को परेशानी होने लगी तो उन्होंने नर्सों को इसकी जानकारी दी, साथ ही साथ मरीजों को दूसरे कमरे में रखने का आग्रह भी किया। वार्ड की नर्सों ने BHT पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से औरतों के घर के लोगों को फोन कर दी है तो सब कहते हैं कि बेटा वहीं कहीं आसपास होगा। कुछ समय बाद फिर से कर्मचारियों ने उस नंबर पर फोन किया तो फोन उठाने वाली महिला ने जवाब दिया कि उनका बेटा कहां है पता नहीं। रात में भोजन देने वाली एजेंसी का कर्मचारी संक्रमित बुजुर्ग के बेड तक गया और उसे खाना पीना देकर चला आया। वहीं जब नर्सों ने मरीज का फॉलोअप लिया तो उन्हें दूसरे मरीजों ने बताया कि बुजुर्ग महिला को उन लोगों के बेड से कहीं और ले जाया जाए। संक्रमित बुजुर्ग महिला ऐसे ही अपने बेड पर चिल्ला रही थी लेकिन उसके बेटे या फिर किसी दूसरे तीमारदार का कोई पता नहीं था। इस बाबत मायागंज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर असीम कुमार दास ने बताया कि परिजन के ना रहने के बावजूद मरीज के इलाज भोजन पानी का इंतजाम कराया जा रहा है। उस महिला बुजुर्ग का अपनों की तरह देखभाल करने के प्रबंध का आदेश वार्ड के हेल्थ मैनेजर को दिया गया है। इस बेबस माँ के लिए एक लाइक जरूर करें। आपका क्या कहना है इस बारे में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।